उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के लखनऊ NH-24 नियामतपुर इक्टोरिया टोल प्लाजा पर पुलिस प्रशासन और मुस्लिम भाइयों ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की तथा कावड़ियों का स्वागत किया। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुंडा पांडे लखनऊ NH-24 क्षेत्र से होकर गुजरने वाले कावड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। आपको बताते चलें, श्रवण मास का तीसरा सोमवार आने वाला है। बढ़ चढ़कर सभी कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो वहीं इसी को लेकर जनपद मुरादाबाद मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में एक अलग ही नज़ारा सामने आया है। यूं तो मुरादाबाद गंगा जमुना तहजीब का एक ऐसा शहर है जहाँ पर सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसी की एक सीधी मिसाल आज जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे के नियामतपुर इक्टोरिया टोल प्लाजा पर क्षेत्र से सामने आई है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हरिद्वार से जल लेकर रामपुर और अन्य जगह की ओर प्रस्थान कर रहे कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। तो वे भंडारे में कांवड़ियों को प्रसाद वितरित कर कांवड़ियों की सेवा की है। आज भारी संख्या में सभी मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और मुंडा पांडे क्षेत्र के नियामतपुर इक्टोरिया टोल प्लाजा क्षेत्र से गुजर रहे सभी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उनको प्रसाद वितरित कर भाईचारे की मिसाल पेश की, जिससे साफ प्रतीत होता है कि मुरादाबाद में गंगा जमुनी तहजीब का एक ऐसा शहर है जहां पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सर, आज भोलों पे फूल वर्षा की गई है और किस तरह से स्वागत किया गया है और कहां कैंप लगाया है और क्या जलपान किया है मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के दोनों लोगों ने भोलों का? आज विकासखंड मुंडा पांडे के नियामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा के पास में हमारे नियामतपुर इकरोटिया के मुस्लिम समाज के हमारे सहयोगियों ने, भाई बंधुओं ने और पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर एक भोलों के लिए कैंप का आयोजन किया है, जहाँ पर उनके लिए हम लोगों के माध्यम से पुष्प वर्षा की जा रही है और समुचित बैठने का स्थान और नाश्ते पानी की व्यवस्था के लिए की गई। सर, जिस तरीके से कावड़ का तीसरा सोमवार चल रहा है, भोले अपने जल लेकर के हरिद्वार और ब्रिज घाट से आ रहे हैं, किस तरीके की अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से? यही अपील है कि सभी जो जल लेकर आ रहे हैं, कांवड़ लेकर आ रहे हैं, वो भी शांति व्यवस्था से अपनी कांवड़ और यात्रा को पूरा करें और प्रशासन का सहयोग और जनवासियों का सहयोग पूरा इसके लिए मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहेगा। हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग मिलके कांवड़ियों के लिए तत्पर हैं और उनकी जो भी मदद हो सकती है, असंभव मदद की जा रही है, उनकी सेवा में लगे हुए हैं हम। ठीक सर। सर, नियामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा पर फूल वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की गई है और कहाँ कैंप लगाया है और कब तक ये प्रोग्राम चलने वाला है और आपकी तरफ से कितने कांवड़ियों को जलपान यहाँ पर करा दिया गया है? आज थाना मुड़ा पांडे क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास में नियामतपुर इकरोटिया गाँव के पास में एक शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ के ग्रामवासी जो शमशाद जी हैं और साथ में इनके सहयोगी और सभी लोग हैं, उनके द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कांवड़िए आ रहे हैं ब्रजघाट से या फिर हरिद्वार से जल लेकर के आ रहे हैं या जाने वाले भी लोग हैं, उन सभी के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी को जलपान कराया जा रहा है, सभी को माल्यार्पण भी कराया जा रहा है, पुष्प वर्षा भी की जा रही है, सभी का काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत किया जा रहा है और सभी को जलपान कराने के पश्चात यहाँ से विदा किया जा रहा है। इस तरह कार्यक्रम यहाँ पर आगामी कराया गया है। सर, आज लेखपाल परीक्षा भी है और रोड डाइवर्जन को लेकर भी किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है? आज जैसा कि विदित है कि थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में तो हालांकि कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी ज़िले में 33 एग्जाम सेंटर बने हुए हैं। ऐसे जगहों पे चूँकि काफ़ी संख्या में लोग एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं और इसके पश्चात तो उनके परिजन भी साथ में आते रहते हैं आने जाने के लिए, चूँकि संख्या काफ़ी भीड़ भाड़ की होने की संभावना है, इस वजह से लोगों से पहले भी अपील की गई थी कि लोग जो अनावश्यक घर से ना निकलें और इस तरह के जो भी परिवहन व्यवस्था है इसमें सहयोग बनाने में हम लोगों का मदद करें। कावड़ियों से भी अपील है, सभी लोग सुरक्षा व्यवस्था के साथ में जब हम लोग हर व्यवस्था में तैनात हैं और कभी कोई समस्या आए तो हम लोग टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, कभी कोई समस्या आता है तो हम संपर्क करें, हम लोग पूरी सहायता करने के तत्पर रहें। सर, दूसरे धर्मों के लोगों ने भी कांवड़ियों का फूलों से स्वागत किया, किस तरीके का संदेश जा रहा होगा? ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि शमशाद हुसैन जी साथ में इनके साथ और सहयोगी सभी लोग हैं जिनके द्वारा किए गए एक बहुत ही बढ़िया मैसेज गया क्षेत्र से कि एक गंगा यमुनी जो तहजीब होती है, जो कि क्षेत्र से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए टॉलरेंस के लिए बहुत ही जरूरी होती है, ये इस क्षेत्र के द्वारा समाज के लोगों के द्वारा दिया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन मैसेज है क्षेत्र के लिए और समाज में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए। सर, क्या अपील करना चाहेंगे तीसरा सोमवार अपने माध्यम से कांवड़ियों की यात्रा के लिए भी और क्षेत्रवासियों से भी और जो बाइक चालक हैं, जो रोड डाइवर्जन को रोड खाली किया गया उसको लेकर के?
जैसा कि इसके पहले भी जो दो सोमवार निकल चुके हैं काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न कराया गया त्यौहार, और ये तीसरा सोमवार है ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। कावड़ियों का भी काफ़ी अच्छा सहयोग है। ट्रैफिक डिवीजन व्यवस्था जो लागू की गई थी अभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। इसमें जो दोनों लेन जो अलग अलग तरीके की हैं, जो एक लेन जो पब्लिक के लिए रिजर्व की गई है, पब्लिक को आवागमन चल रहा है उस पर, और दूसरा लेन जो सिर्फ कावड़ियों के लिए रिजर्व की गई है, इस पर भी कावड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी संख्या में कावड़ियाँ जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा एक सवार का माहौल है, कहीं कोई समस्या नहीं है, और हम लोग लगातार तत्पर हैं हर तरह की सेवा के लिए कावड़ियों के लिए। ठीक है सर।